तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत निकालना दोस्तों, रुपयों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, यानी प्रतिशत के हर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे जो कि आपके लाइफ में यूज होता है और आपके मन में डाउट्स होते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए हमको निकालना है प्रतिशत, यानी प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है रुपये का सिंबल है, तो ये 700 रुपये का आपको 25% रुपये क्या होगा ना, यही निकालना है पहले क्वेश्चन में। यानी हमको पता करना है कि 700 रुपये है ना, इसका 25% कितना रुपए होगा। तो उसके लिए इस 700 का 25% वैल्यू हमको निकालना होगा। तो करें क्या, सिंपल है, देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहले 700 रुपये है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 700 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है का, तो जहाँ भी मैथ में का दिखे वहाँ पर आपको गुना का यूज करना है, यानी का जगह पर हम लगाएंगे गुना। उसके बाद है 25%, तो इसमें का जो 25 अंक है ना, इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए प्रतिशत है यहाँ पर, तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो जो भी प्रतिशत का चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है कि संख्या के बटा में 100, अगर 1% रहे ना तो उसके बराबर में हम 1/100 लिखते हैं, अगर 2% रहे तो उसके बराबर में 2/100 लिखते हैं। ठीक उसी तरीका से अगर 25% है ना, तो इसके बराबर में हम 25 और बाटा में 100 लिखेंगे। तो ये 25 तो हमने लिख लिया है और इसके बाटा में इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले यहाँ पर हम 100 लगा देंगे। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 7 का गुना करेंगे 25 में और 1 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 7 है तो लिखेंगे 7 × 25 और बाटा में क्या है 1 है, तो बाटा में 1 लिख देंगे। और देखिए 7 का गुना करेंगे 25 में, तो जब 7 का गुना करेंगे 5 में, तो 7 × 5 = 35 का 5 होगा, आपका हारसिन 3 हो जाएगा। और फिर 7 का गुना करेंगे 2 में, तो 7 × 2 = 14 और 3 हारसिन है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 17। और बाटा में 1 है तो 1 से किसी भी नंबर में भाग करते हैं ना, तो वापस वही नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है। यानी 1 से इस 175 में भाग करेंगे या फिर इन संख्याओं में भाग करेंगे ना, तो वापस यही संख्या हमारा आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा ना वह 175 रुपये होगा, 175 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि 700 रुपये का 25% जो रुपये होगा ना, आपका 175 रुपये निकल कर आ चुका है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें कह रहा है कि 1000 रुपये का 12% रुपये क्या होगा ना, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम कि जो भी 1000 दिया गया है ना, सबसे पहले आपको 1000 लिखना है। का मतलब होता है गुना, और ये जो 12 है ना, इसको आपको लिखना है और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले इस 12 के बटा में यहाँ पर आपको 100 लगा देना है। 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो कटा देना है, 1 से भाग करेंगे 12 में तो आपका 12 ही होगा, यानी यहाँ पर आपका 10 बच गया, तो लिखेंगे 10 और गुना में यहाँ पर आपका 12 है तो 12 लिखेंगे। और देखिए सिंपल सा 10 का गुना करना है 12 में, तो देखिए 10 × 20, 20 का 0 हारसिन 2 और 10 का गुना करेंगे 1 में, तो 10 = 10 और इसमें का 2 हारसिन है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी 120 रुपये होगा 1000 का 12% रुपये, कितना 120 रुपये। अब आइए मान लीजिए कि आप कहीं भी मार्केट गए हैं, वहाँ पर आपको टी शर्ट खरीदना है जिसका मूल प्राइस है 200 रुपये, जिसका मूल प्राइस है 200 रुपये, इतना रुपये उसका प्राइस है। इस पर आपको मिल रहा है यहाँ पर 7% के डिस्काउंट, यानी 7% छूट मिल रहा है। तो यह जो टी शर्ट है आपको कितना में मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कितने रुपए की छूट है। यानी 200 का हमको 7% निकालना होगा, जिससे हमको पता चलेगा ना कि कितने रुपए की छूट है। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपये है तो लिखेंगे 200। अब देखिए इस पर 7%, यानी इसका 7% निकालना है, यानी बोलने पर कह रहा है ना 200 का 7%, तो कह रहा है तो का जगह पर हम गुना की यूज करेंगे और 7% है तो इसमें का 7 लिखेंगे और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले इस 7 के बाटा में 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 7 का गुना करेंगे 2 में, तो 7 × 2 का आपका 14 होगा, बाटा में 1 है तो बाटा में 1 लिखेंगे और 14 में भाग करेंगे 1 से, तो आपका यहाँ पर 14 रुपये जो है निकल कर आ चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 200 रुपये के टी शर्ट पर 7% छूट है ना, तो आपको 14 रुपये की छूट है। तो आपको टी शर्ट मिलेगी कितना में, तो आपको इस 200 में से ये वाला डिस्काउंट वैल्यू जो है ना आपको घटा लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 200
और -14 कर देंगे। अब देखिए सिंपल सा, 0 में 4 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से काट लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे आपका 1 बचेगा तो ये होगा 10, और 10 में से काट लेंगे इसमें तो यहाँ पर बचेगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे ना तो यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर 9 बच गया है, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 8, और यहाँ पर हाशिए दे दें तो 1 बचा है तो 1 लिखेंगे। यानी 186 रुपये में आप इस टी शर्ट को खरीद सकते हैं। अब आइए बात करें कि मान लीजिए कि आपने किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, यानी आपने कहीं भी कोई भी परीक्षा दिया है, तो परीक्षा जो होता है कुछ नंबर का होता है, और उस कुछ नंबर में हमारा कोचिंग नंबर आ पाता है। तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम हुआ है 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, इस 600 नंबर में आपका नंबर आ गया है 312 नंबर आ गया है। तो 600 का 312 कितना परसेंट नंबर आया है ना, यह निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या है, सबसे पहला काम कि जितना नंबर आपका आया है उतना लिखना है, यानी 312 नंबर आपका आया है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 312, और इसमें गुणा करना है 100 से, यही आपको ध्यान देना है। जो नंबर आया है उसको लिखना है, गुणा करना है 100 से, और डिवाइड करना है टोटल नंबर, यानी आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो 600 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 312 का गुणा करेंगे 1 में, तो 312 ही होगा और बाटा में 6 है, 312 और बाटा में ये वाला 6 लिखेंगे। अब 6 से भाग करना है इसमें, तो देखिए ये 6 से भाग करेंगे 31 में, तो 6 के पाड़ा में 31 नहीं, लेकिन 31 से थोड़ा सा कम 30 है, 6 के पाड़ा में 30 है, 6 × 5 = 30 5 बार में। अब देखिए 6 × 5 = 30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 31, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो उस 1 को इस 2 के पहले लगा देंगे, जो होगा 12, और 6 के पाड़ा में 12 जो है ना, 6 × 2 = 12 2 बार में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका 52% नंबर आया है, यानी आपने 600 नंबर का परीक्षा दिया है, 312 नंबर आपका आया है ना, तो आपको परसेंटेज की बात करें तो 52% आपका मार्क्स आया है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपने बिहार बोर्ड का परीक्षा दिया है, जिसमें 600 नंबर का परीक्षा होता है, लेकिन 500 नंबर में से ही आपका डिवीजन तय किया जाता है। तो मान लीजिए कि 500 नंबर में आपका आ गया है 230 नंबर, 500 नंबर में 230 नंबर आ गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका कितना परसेंट नंबर आया है, तो इसके लिए करना क्या है, जो भी नंबर आपका आया है उसको लिखना है, 230 नंबर आया है, इसमें गुणा करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर यानी 500 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 230 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका हो जाएगा 230 और बाटा में यहाँ पर 5 है, तो बाटा में यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड करना है, देखिए 5 का होता है 20, इसमें से 3 बचेगा चूँकि 23 है, तो उस 3 को इस 0 के पहले गए तो इस जगह 30, और 5 का पड़ा हम 30 जो है 5 × 31 6 बार में है। अब देखिए यहाँ पर 46% आपका जो है मार्क्स आया है, और इसी तरीका से आप कोई भी रिजल्ट का प्रतिशत भी काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अपने नंबर यानी जो भी आपका मार्क्स आया है उसका प्रतिशत निकालने में, या कोई भी टी शर्ट जीन्स पैंट या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस पर भी मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।